दिल्ली के पोल्यूशन के बारे में तो हम सब जानते होंगे आजकल हर जगह पर हर न्यूज पर हर न्यूज पेपर में भी हमें एक ही चीज पता चलती है कि दिल्ली का जो पोल्यूशन है उससे लोगों को ही नहीं बल्कि सारे जितने भी दिल्ली के एरिया है वहां पर प्रॉब्लम्स हो चुके हैं द ओवरऑल पोल्यूशन सिनेरियो ऑफ दिस दिल्ली विच वी आर लुकिंग एट इट इज वर्स्ट ऑफ लास्ट टेन ईयर्स दैट हैज बिन रिपोर्टेड

पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो चुका है एंड एट द सेम टाइम व्हेन द सिचुएशंस आर सच आप देख सकते हो कि स्मॉग एंड फॉग दैट इज नथिंग बट स्मॉग लाइक सिचुएशंस एज वेल एज ओवरऑल इफ यू सी द रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स इट इज वन ऑफ द वर्स्ट फाउंड नॉट ओनली इन आर कंट्री बट नॉट ओनली इन आर ओवरऑल कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया बट ऑल्सो वन ऑफ द वर्स्ट पोल्यूशन सीनेरियो इन द वर्ल्ड जब हम ये बात कर रहे हैं एट द सेम टाइम यू कुड ऑल्सो सी दैट कि बहुत सारे डॉक्टर्स एज वेल एज रिपोर्ट्स भी ये कहते हैं कि इफ यू एवर विजिट डेली तो वहां पर हवा अगर आप इनहेल कर रहे हो इट इज लाइक टेकिंग ट्वेंटी फाइव टू थर्टी सिगरेट्स दैट यू आर स्मोकिंग ऑन डेली बेसिस तो इस तरह से हमें पूरा पता ही लग चुका है कि डेली पोल्यूशन की वजह से कितने प्रॉब्लम्स हो चुके बट एट द सेम टाइम इतना जब दिल्ली का पोल्यूशन हो रहा है अब बातें यह हो रही है कि यह पोल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है

सो so, जब अक्टूबर और नवंबर में ही अगर पोल्यूशन बढ़ रहा है तो देर आर ओनली टू थिंग्स विच पीपल विल ब्लेम कि इन वजह इनकी लोग इन, लो, इन वजह से या फिर इन्हीं लोगों की वजह से पोल्यूशन हो रहा है एंड दैट टू रीजन आर नथिंग बट एक तो है आपके किसान जो कि पराली बराते हैं दैट इज पराली बर्निंग करते हैं या फिर स्टबल बर्निंग करते हैं तो पहला शक चला जाता है या फिर पहला रीजन चला जाता है कि किसानों की वजह से यहां पर पोल्यूशन हो रहा है और दूसरा हमारा ऑलवेज बलि का बकरा रहता है दिवाली इस साल दिवाली के पहले ही यहां पर पोल्यूशन इतना ज्यादा वर्स्ट हो गया कि ए क्यू आई इंडेक्स गॉन बियॉन्ड 999। नाइन नाउ द पॉइंट इज बस एक मौका हमें मिलता है दैट द ओनली पर्सन और द ओनली thing to which we can start our blame game, blame game is nothing but farmers. So every time जब दिल्ली का अक्टूबर नवंबर में हर बार जब उसका पोल्यूशन हद से ज्यादा बढ़ जाता है ये ब्लेम गेम्स चालू हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट ब्लेम गेम खेलती है दिल्ली गवर्नमेंट के साथ दिल्ली गवर्नमेंट ब्लेम गेम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बहुत सारी जो दिल्ली की पॉपुलेशन होती है वो ब्लेम गेम कभी कभार दिवाली के साथ करती है कभी कभार दिवाली के पटाखों के साथ करती है कभी इंडस्ट्रीज के साथ करती है कभी ट्रांसपोर्ट के साथ करती है कभी ऑड इवन कार्स के साथ करती है तो कभी हमारे फार्मर्स के साथ करती है लेट्स टूडे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या सही में आर रियली फार्मर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डेली पॉल्यूशन क्या सही में फार्मर्स पर्पजली पराली बना रहे बर्न कर रहे हैं क्या सही में वो स्टबल बर्निंग जो कर रहे हैं इज इट वॉट दे आर डूइंग पर्पली और इज इट इंपैक्ट ऑफ टेन ट्वेंटी थर्टी ईयर्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम और फंडामेंटल क्राइसिस इन एग्रीकल्चर और एनी मोर थिंग्स विच आर इन टू द पिक्चर बट वी आर नॉट लुकिंग एट दम लेट्स डिस्कस टूडे आर फार्मर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डेली पॉल्यूशन सो द टॉपिक स्टार्ट विथ एंड आई विल गिव इट टू यू दैट विच आर द रीजन बिकॉज ऑफ विच डेली पॉल्यूशन ऑकर्स This is the pie chart you can see, and these are the, through the percentage you will understand the top polluters because of which, always every year, pollution in Delhi occurs. Pella industry is only 13%. Industrial pollution is everywhere. Iska koi point banta nahi hai अगर आप बाकी डस्ट पोल्यूशन डोमेस्टिक कुकिंग डीजल जनरेटर अगर ये कंसिडर करोगे तो बहुत ही कम यहां पर वो परसेंटेज में आर आर टू थिंग्स फॉर है पोल्यूशन पहला है वेस्ट बर्निंग दैट इज 27.5 परसेंट और दूसरा है ट्रांसपोर्ट विच इज 22.7 परसेंट तो जब आप ट्रांसपोर्ट की बात करते हो तो व्हीक्युलर पोल्यूशन एंड पोल्यूशन बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट इज हाइएस्ट इन डेली अगर आप देखते हो इवन

सेकेंड रीजन इज द लोकेशन जोग्राफिक लोकेशन ऑफ द डेली इट सेल्फ इमेजिन करिए और इंडिया का मैप देखिए जब आप इंडिया का मैप देखते हो तो आपको पता लगता है कि मुंबई बैंगलोर डेली सारे टीयर वन सिटीज है ट्रैफिक भी अगर हम देखें तो ओवरऑल सेम है बट क्यों डेली में ही इतनी गर्मी होती है और पोल्यूशन होता है मुंबई में नहीं होता है बेंगलुरु में नहीं होता है सो द रीजन फॉर दैट इज जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ डेली अगर हम डेली को देखें तो चारों तरफ से वो जमीन से गिरा हुआ है और चारों तरफ से माउंटेनियस रीजन से या फिर हिल स्लोप से गिरा हुआ है स्टेडियम लाइक सिचुएशन एक ऐसा कब जैसा सिचुएशन हो जाता है जहां पर डेली है आपके लो लाइंग प्लेन में तो सारी जितनी भी टेम्परेचर होता है वो लो प्रेशर की वजह से यहां पर कॉन्टिनें कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट हो जाता है दिल्ली में दैट कि अगर आप देखते हो मुंबई में मुंबई तो यहां पर अरेबियन सी का शोर है अगर यहां पर पोल्यूशन हो जाता है गर्मी हो जाती है तो ठंडी हवा समंदर से उस गर्म हवा को निकाल देती है सो रिप्लेसमेंट ऑफ हॉट एयर बाय कूल एयर सिमिलरली फॉर बैंगलोर बट नॉट फॉर डेल्ही डेली की गर्म हवा को रिप्लेसमेंट के लिए चांस ही नहीं मिलता दिस इज सेम सिचुएशन जब आप कहीं पर भी छोटे से रूम में होते हो और वहां पर एग्जॉस्ट फैन नहीं होता है अगर एग्जॉस्ट फैन हो तो वहां पर इवन अगर कोई भी एसी नहीं है तो भी आपको ठंड ठंड या फिर गर्मी नहीं लगती है ओके okay? लेकिन अगर एग्जॉस्ट फैन ना हो तो आपको इतनी गर्मी हो जाती है बिकॉज वॉट एवर दैट एयर इज देर इन दैट स्मॉल रूम ट इज नॉट रिप्लेसड तो इसी वजह से बिकॉज ऑफ द नॉन रिप्लेसमेंट ऑफ द एयर यहां पर कॉन्टिनेंटेलिटी इफेक्ट हो जाता है सेम एग्जॉस्ट जैसा एग्जॉस्ट नहीं है डेली में यही आप याद रख सकते हो सेकेंड थिंग इज बिकॉज ऑफ दट ऑलवेज यू कुड सी ड्यूरिंग दिस समर सीजन ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस कॉन्टिनेंटेलिटी इफेक्ट यू कुड सी दैट द टेम्परेचर स्पीक एंड दे गो ऑन इंक्रीजिंग द अदर थिंग इज

पॉल्यूशन है वो मिक्स होकर वहीं पर रह जाता है द नेक्स्ट थिंग विच बिकॉज ऑफ विच द पोल्यूशन इज ऑफकोर्स वेलकम टू फार्मर्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा वो हर बार अपनी जो बची कुची जो फसल का टुकड़ा होता है आफ्टर डूंग दार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप जो ऊपर का जो उनका धान बचता है वो तो वो जाकर मार्केट में सेल करते हैं जो बचता है वॉट एवर द क्रॉप रिमेन्स दे बर्न इट डाउन वेन दे बर्न इट डाउन दैट इज कॉल्ड स्टबल बर्निंग स्टबल इज नथिंग बट द रिमेन्स ऑफ द क्रॉप विच इज ऑन द ग्राउंड नाउ स्टबल इज बर्न इन पंजाब हरियाणा And even your Western UP. And this phenomena also, whatever these gases are there, this fiery, whatever the effluents are there, they add up in the cold airs from Punjab, Haryana, and they again move to Delhi and they are trapped in Delhi. Now, this is also one of the reasons. But when we are talking about this stubble burning, we should know some more about it. Stubble is nothing but the re remaining part of the crop which we cannot cut. The next thing is nothing but farmers do.

हमारी जो इंडिया थी उसके पास खाने के लाले थे ओके वी वेर अ फूड कंट्री सीरियल कंट्री टू बिकम फूड सरप्लस कंट्री हमने बहुत ज्यादा धान प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर लिया जब हम धान प्रोड्यूस करना चाहते थे ग्रीन रेवोल्यूशन आया केमिकल पेस्टिसाइड्स ठीक है फर्टिलाइजर्स हाई यील्ड वैरायटी सीड्स एज वेल एज गुड क्वालिटी ऑफ इरिगेशन इससे हुआ ये कि हमारे जो भी फैमिली लाइक सिचुएशन थी जो भी हमारे पास खाना नहीं था उससे हम एक फूड सरप्लस कंट्री बन गए एंडवे we, we अचीव किया हमने ग्रीन रेवल्यूशन से जादू से अचीव किया क्या नहीं वॉट फर्टीलाइजर्स इिगेशन हाईिंग सीड्स वाइटी हो रहा था गवर्नमेंट ने यह भी डिक्लेयर किया कि जो भी आप केमिकल फर्टिलाइजर्स हाईडिंग वराइटी सीड्स जो यूज करोगे उसके लिए जो भी क्रॉप आप प्रोड्यूस करोगे उसके लिए हम आपको एक स्पेशल प्राइस देंगे जो होगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस नाउस मिनिमम सपोर्ट प्राइस

that this excessive cultivation of rice wheat in Punjab, Haryana, Western UP saw that the total desertification that is degradation of soil as well as the water whatever groundwater reserves are there they are getting finished because of excessive use of water ठीक है क्योंकि chemical fertilizer आप without water use नहीं कर सकते और इस rice को wheat को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है तो इस वजह से groundwater ख़त्म होने लगा जब groundwater ख़त्म होने लगा तो automatically जो पंजाब हरियाणा गवर्नमेंट थी उन्होंने एक एक्ट निकाला दैट इज हरियाणा या फिर पंजाब रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वॉटर एक्ट ये एक्ट ये कहता था कि कोई भी फार्मर्स पंजाब हरियाणा रीजन के अगर एग्रीकल्चरल क्रॉपिंग व्हीट या फिर राइस की करना चाहते हैं तब वो तभी कर सकते हैं बिफोर फिफ्टीन ऑफ जून वो नहीं करेंगे आफ्टर फिफ्टीन ऑफ जून ही वो करेंगे अब ये जून ही महीना क्यों ऑलवेज रिमेंबर जून जुलाई इज द कहा जब तक धरती में पानी नहीं देता है, जब तक वो नहीं करता है तब तक आप कोई भी फार्मिंग नहीं करोगे राइस और व्हीट की क्योंकि अगर आप मानसून से पहले करोगे तो बचा कुचा पानी भी है उसको आप खत्म कर दोगे सो दू सी इफ वी डिस्कस इट इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड अब आपको पता चलेगा कि पंजाब में अगर आप पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी में एग्रीकल्चर देखोगे तो खरीफ हार्वेस्टिंग मंथ या फिर खरीफ का जो सोइंग प्लांटेशन होता है वो आपका जो हार्वेस्टिंग होता है वो सितंबर अक्टूबर में क्यों चला जाता है इट्स जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 15 जून के बाद ही आप कल्टीवेशन कर सकते हो आप जो बीज बोना होता है यू कैन ओनली डू द सोइंग और जर्मिनेशन आफ्टर फिफ्टीन ऑफ जून दैट मीन आफ्टर ऑफ मानसून ओके After doing this monsoons wheat cultivation, uh, rice cultivation in kharif, the Punjab Haryana government also told that for all the farmers who are in the same region, you can do rice and wheat cultivation in kharif and rabi cropping. Okay, so kharif for rice and rabi for wheat. But now look at it in September and October. If the farmers are doing harvesting of kharif rice crop, then they are getting only one month to start their next cycle of cropping that is your rabi wheat cropping cycle and that is why within the november they are just getting 15 to 30 days to remove whatever the crop stubble is there now every farmer would be wanting to quick start his second cropping cycle otherwise he will bear the loss and that is why they are forced to burn down this stubble so try to understand farmer here, par apni marzi burn nahi no kar raha stubble burn no उसको वो तो ये चाहता है कि मैं जल्द से जल्द मेरी खरीफ क्रॉपिंग करूं और उसके बाद जल्द से जल्द मैं मेरी रबी क्रॉपिंग करूं ताकि मुझे एक प्रॉपर एक साल में मेरा मल्टीपल जितना भी क्रॉपिंग मैंने प्रोडक्शन किया है उससे मुझे जितने पैसे मिल रहे हैं वो मिल सके सो फार्मर्स दे आर नॉट डूइंग इट बाय पर्पज दे आर बींग फोर्स टू डू बिकॉज ऑफ द fortunate incidents or maybe unfortunate situation unprecedented unfortunate situations because of the act because of the water unavailability because of the crop patterns cropping pattern which is there as we all know punjab haryana western up these are growing rice and wheat only since ages so this has become a problem now when you understand that these are the two seasons and farmers are trying to ओनली मिनिमाइज द टाइम बिटवीन टू क्रॉपिंग साइकिल वो बस चाहते हैं कि हमारा वक्त कैसे भी कम हो जाए दो क्रॉपिंग साइकिल के बीच में हमारी फट से ये जो months है, उसकी साइकिल हमारी फट से स्टार्ट हो जाए और इसी वजह से वह पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी के फार्मर्स ये यहां पर पराली बंद करते जब वो पराली बंद करते तो ऑटोमेटिकली वॉट एवर द पोल्यूशन इज देयर दर दैट मिक्सिस कोल्ड एयर एंड कम्स टू द डेली एंड वी ऑल नो डेली में ऑलरेडी टेम्परेचर इनवर्जन इनवर्जन है कॉन्टीनेटेलिटी इफेक्ट है तो ये पोल्यूशन आके यही रुक जाता है और कहीं पर भाग ही नहीं पाता है देन वी कुड सी कि यहां से वो ना ही इधर जा सकता है यहां जा सकता है यहां तो हिमालय है यहां पर अगर आप देखते हो तो अरवलीज है सो देर फोर डेली गेट्स ट्रैप्ड विद द पोल्यूशन देन वेन वी टॉक अबाउट द yes then here you could see that how the cold air how the overall parali burning or stubble burning it get, comes and accumulates in delhi i hope now you understand what happens the upper warmer air it is nothing but the overall overall the temperature inversion which occurs in delhi the cold air is nothing but the cold air which comes during the winters during the rabi season in the delhi and the stubble burning smoke it is nothing but the smoke which is coming because of the parali burning.

में भी हम जो फार्मर्स का जो बीस से तीस सालों से जो एग्रीकल्चरल क्राइसिस चल रहा है एज दे आर जस्ट डिपेंडेंट ऑन दी एम एस पी क्रॉप फॉर देअर प्रॉफिटिंग कभी सोचा है कि फार्मर बस राइस और वीट क्यों यहां पर उगा रहा है वाई नॉट हीज कल्टीवेटिंग मशरूम्स वाई नॉट हीज कल्टिवेटिंग ब्रोकोली ये हम कभी सोचते नहीं है हमें बस इतना पता है दैट वी गो टू तो आर लोकल ग्रोसरी स्टोर वी से हिम कि भाई पचास के टोमेटो दे देना पचास के दे देना एंड गिव मी फ्री चिलीज एंड धनिया और चिली मुझे फ्री दे देना हम कितनी आसानी से ये कह देते बट रियल सिनेरियो इज क्वाइट डिफरेंट एंड दिस इज वॉट एग्रीकल्चरल सिनेरियो टेल्स वॉट आर द सोल्यूशन टू इट अगर हम सोल्यूशन देखें तो पहला दिल्ली का सोल्यूशन होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑफकोर्स मेट्रो चुने दिल्ली मेट्रो इज वन ऑफ द बेस्ट एक्साम्पल ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेकेंड इज नथिंग बट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप अगर आप देखोगे तो पंजाब और हरियाणा में ही आपको कितने मिलेंगे जहां पर फैमिलीज दे हैव एग्रीकल्चर इन राइस एंड व्हीट इन टू द मशरूम फार्मिंग और मे बी हॉर्टिकल्चरल फार्मिंग बाई टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश देन वट इज द सोल्यूशन फॉर स्टबल बर्निंग एक तो है आपका अफॉरेस्टेशन जितने पेड़ लगा सकते हो उतने लगाएंगे सेकेंड इज द हाईटेक टेक्नोलॉजी लाइक यूर हैप्पी सीडर हैप्पी सीडर क्या है ऐसी मशीन होती है जो पूरा का पूरा क्रॉप जमीन से उखाड़ लेती है बट सच मशीन विल नॉट बी अवेलेबल नियर ऑल द फार्मर्स पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी जरूरी नहीं है कि सारे फार्मर्स रिच हो राइट right? एंड द That's why there is one best solution that is your mulching system. What is mulching? Mulching is nothing but crops का जो भी waste part होता है उसको आप लेते हो मिट्टी के साथ उसको और fine बनाते हो टुकड़ों में उसको organic farm uh, uh, organic जो manure होता है उसके साथ mix करते हो मिट्टी के साथ mix करते हो पानी के साथ mix करते हो and then you again lay it on the ground. Mulching system is used. It is nothing but remains of whatever organic crops those are spread on the ground for moisture retention.

There, there are unprecedented and unfortunate certain factors which are responsible that farmers are doing it it may be just getting forced and doing rice and wheat cropping it may be that they are not having mechanical equipments it may be that they want to do their both kharif and rabi cycle in a year so that they may earn some money right so i hope that in, the, in this discussion you learned something and let's meet next time thank you very much